तहरीक अदम तआवुन के तहत अंग्रेजी माल के साथ साथ अंग्रेजी तालीम का भी बायकॉट हुआ और तलबा दरसगाहों से निकल आए। ये एक जज्बाती फैसला था और इसका नुकसान भी ज्यादातर मुसलमान तलबा को पहुंचा, क्योंकि हिंदुओं के मुकाबले में वो पहले ही तालीमी मैदान में बहुत पीछे थे। और यहाँ हैरान कुन बात यह थी कि अदम तआवुन के तहत गांधी का सारा जोर मुसलमानों के तालीमी इदारे बंद करने तक महदूद था। मिसाल के तौर पर वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बंद कराने में बड़े सरगर्म थे, लेकिन उन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस बंद कराने की कोई कोशिश न की। इसी तरह वो तहरीक हिजरत के भी बड़े हामी थे, ताकि सारे मुसलमान अफगानिस्तान या किसी और मुल्क चले जाएं और हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए छोड़ जाएं। यही वो तर्ज अमल था जिसने मुसलमानों की आंखें खोल दी और उन्होंने महसूस किया कि हिंदू और मुसलमान का मफाद कभी यकसां नहीं हो सकता। ये एहसास तलबा में ज्यादा शिद्दत से उभरा और उन्होंने हिंदुओं से अलग होकर अपने मिल्ली मफाद को महफूज करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस एहसास के तहत मुसलमान तलबा की तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वजूद में आई, जिसने हुसूल पाकिस्तान की जिद्दोजहद में फैसला कुन रोल अदा किया। लाहौर के एक तालिब इल्म चौधरी रहमत अली ने एक तंजीम पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट बनाई, जो एक मुद्दत तक काम करती रही। उन्होंने अपनी स्कीम पाकिस्तान का इतने तकरार और तसलसल के साथ प्रोपेगेंडा किया कि जब 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तारीख साज इजलास में करारदादे लाहौर पेश हुई, तो हिंदू प्रेस ने बिला तकल्लुक इसे करारदादे पाकिस्तान का नाम दे दिया। हालांकि इस करारदाद में लफ्ज पाकिस्तान का कहीं जिक्र न था। ये नाम मुसलमानों को इस कदर पसंद आया कि बगैर किसी बाकायदा फैसले या ऐलान के उन्होंने इस नाम को अपने नए वतन के लिए इख्तियार कर लिया। यूं पाकिस्तान का नाम भी एक तालिबे इल्म का अदा करता है। 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों की एक आजाद और खुद मुख्तार ममलुकत का सूरज तुलू हुआ। आजादी की मंजिल हासिल की जा चुकी थी और अब मुसलमानों को ये बताना था कि इस ममलुकत में निजाम इस्लाम कायम करने के उन वादों को कहां तक पूरा करेंगे जिनके लिए इस सरजमीन के चप्पे चप्पे पर गिरां कदर कुर्बानियां दी गई हैं। में पाकिस्तान का वाकया इस मुल्क में बर्पा सियासी जिद्दोजहद की मेराज था और तलबा की उन तंजीमों के लिए जो इस मकसद के लिए काम कर रही थी पयाम सवाल था। फितरी तौर पर ये हालात थे जिन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन को पाकिस्तान में खत्म कर दिया। पाकिस्तान के क्याम की जिद्दोजहद में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की खिदमात अपनी मिसाल आप थी। फेडरेशन के जवानों ने करिया करिया जाकर मुसलमानों को जगाया और उन्हें शऊर की दौलत से नवाजा। लेकिन क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद सबसे बड़ा अलमिया ये रूनुमा हुआ कि मुस्लिम लीग के अक्सर रानुमा हवस जर का शिकार हो गए और वजारत और क्यादत के झगड़ों में उलझ कर रह गए। ये अलमिया सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सफों तक महदूद न रहा, बल्कि मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन को भी अपने साथ बहा कर ले गया। MSF इस लहर से सख्त टूट फूट और इंतशार का शिकार हो गई। क्योंकि इस तंजीम में किरदार की तामीर और नजरियाती तरबियत का सिरे से कोई बंदोबस्त नहीं था, इसीलिए MSF और मुस्लिम लीग की हामी दूसरी नौजवान तंजीमें अपनी मौत आप मर गईं। अब एक तरफ तो सियासी माहौल पर अंधेरा छाया हुआ था और दूसरी तरफ नई नस्ल तेजी से फिक्री इंतशार का शिकार हो रही थी। कम्युनिस्ट अनासिर ने तलबा सहाफियों और मजदूरों में बड़ी तेजी से अपना तंजीमी जाल बिछाना शुरू कर दिया। नजरियाती खला, इंतजामी अबतरी और माशी बदहाली ने उनके लिए सुनहरी मौका फराहम कर दिया। पाकिस्तान का इंतजाम संभालने के लिए जिस किरदार की जरूरत थी, उसकी तरवीज के लिए नई नस्ल का मैदान बिल्कुल खाली था। इन हालात में इस्लामी जमीयत तलबा की उम्मीद दिखाई दी। 23 दिसंबर 1947 का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार दिन था। मुल्क को कायम हुए अभी 4 माह ही गुजरे थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के 25 तलबा ने लाहौर में एक इज्तमा मुनाकिद किया, जिसमें
एक तंजीम इस्लामी जमीयत तुलबा की दाग बेल डाली गई, जो गुज़िश्ता चार माह के गौर व फिक्र का नतीजा थी। इस तंजीम का नाम तुलबा की दीगर तंजीमों के नामों की उमूमी डगर से हटा हुआ था, लेकिन ये इस तंजीम की इनफरादियत के साथ साथ इसकी बुनियादी खसूसियात की नुमाइंदगी भी करता था। इस्लामी यानी ये इस्लाम की अलमबरदार है, जमीयत यानी ये मुनज्जम होकर काम करना चाहती है, तुलबा यानी इसका दायरा कार तुलबा में है। चंद तालिब इल्मों के अज़्म और शऊर के नतीजे में उस तारीखी तहरीक का आगाज हुआ, जिसे आने वाले बरसों में और पाकिस्तान के बदलते हुए हालात में तुलबा की जिंदगी में एक निहायत अहम किरदार अदा करना था। उस कौसर का दफ्तर था अकबर मंडी में, तो उसका सेन था, उसमें सब लोग बैठे थे और सोच रहे थे, खामोश बैठे कि नाम क्या हो। तलबा भी उसमें आए, इस्लाम भी आए, जमीयत का एहसास भी हो कि कोई तंजीम है। तो इसमें मेरे वालिद साहब नसरुल्लाह का अजीज मरहूम पास से सीनियर से ऐसे गुजरे, तो उन्होंने कहा क्यों भाई, क्यों खामोश बैठे हो, क्या बात है। हमने उनके साथ मसला रखा कि ये प्रॉब्लम है हमारी। तो उन्होंने कहा ये कौन सी मुश्किल है, इस्लामी जमीयत तलबा रख लो। वो इतना सबको पसंद आया कि उससे सबने कहा यही नाम रखा जाएगा, वो नाम रखा गया। उसके तहत फिर जो लोग वहां मौजूद थे उस इस्तेमाल में, वो सब रुकन तस्लीम किए गए, सब सदस्य नुस्खत थे और मुझे पहला नाज़ मुंतखब किया गया। इस्लामी जमीयत तुलबा पाकिस्तान का नस्बुल ऐन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसानी जिंदगी की तामीर के जरिए रिजाए इलाही का हुसूल है। जमीयत का प्रोग्राम है तुलबा तक इस्लाम की दावत पहुंचाना और उसके अमली तकाजों को पूरा करने का एहसास बेदार करना। जो तुलबा इस्लामी निजाम जिंदगी के क्याम के लिए काम करने को तैयार हों, उन्हें जमीयत के तहत मुनज्जम करना। जो तुलबा जमीयत के नज्म में मुंसलिक हो जाएं, उनके लिए इस्लाम और जदीद उलूम के वसी मुताले, सीरत व किरदार की तामीर और जहनी और जिस्मानी सलाहियतों की नश्व नुमा का मुअस्सर इंतजाम करना, पाकिस्तान में इस्लामी निजाम तालीम के निफाज की कोशिश करना और तलबा के इज्तमाई मसाइल में उनकी रहनुमाई करना और उनके जायज मुतालबात मंजूर करवाना। अल्लाहु अकबर रसूल रहबर, अल्लाहु अकबर रसूल रहबर, अल्लाहु अकबर रसूल रहबर, अल्लाहु अकबर रसूल रहबर। कदम बढ़ाए चलो जवानों के मंजिलें राह तक रही हैं, अंधेरी रातों की सरहदों से सुनहरी सुबहें झलक रही हैं, सुनहरी सुबहें झलक रही हैं, सुनहरी सुबहें झलक रही हैं। उभर रहा है उपक से सूरज, उभर रहा है उपक से सूरज, नुज़ूले अनवार है जमीन पर। अल्लाहु अकबर रसूल रहबर, अल्लाहु अकबर रसूल रहबर, अल्लाहु अकबर रसूल रहबर, अल्लाह।